दसवां देखो एक पिगी बैंक है, गुल्लक बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में, उसने पिगी बैंक बोलते हैं शायद। 50 पैसे के सिक्के पड़े हैं, 1 रुपये के पड़े हैं और 2 रुपये के भी। 50 पैसे के तो 100 सिक्के हैं, यहाँ 50 पैसा लिख देता हूँ, 50 पैसा क्वाइन कितने हैं वह 100। ठीक है बेटा, और 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 1 रुपी कितने सिक्के हैं उसके? सर आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। अच्छा ये बारी है? नो सर। वो को नेटवर्क में गड़बड़ होगी बेटा, हो जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है, और 2 रुपये के 20 सिक्के हैं बेटा। समझ में नहीं आ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नो सर, एक मिनट। औरान आवाज सुना है? ये राधा को आवाज सुन रही है बेटा? रिजवाइन हो जाओ बेटा। हर सारी है क्या आवाज? यस सर। ओके, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम बेटा, कोई रिजवाइन हो लिया इसमें। देखो अब 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। मैंने क्या किया, 50 के नीचे जितनी उनकी संख्या थी वो लिख दी। ठीक है, 1 रुपये के नीचे 50 सिक्के हैं, ये 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के कितने हैं बेटा 10। तो ये कहता है ये उल्टा करने पर एक सिक्का गिर गया। अब गिर गया तो कहता है 50 पैसे का सिक्का होगा। ए हमने क्या ले ली, घटना किसकी है, 50 पैसे का सिक्का गिरने की। घटना तो पी ऑफ ए कितना हो जाएगा, इनकी संख्या कितनी है बेटा 100 और डिवाइडेड बाई 100 प्लस 50 टोटल सिक्कियों की संख्या प्लस 20 प्लस 10 तो 100/180 हो गए। यस सर। तो 2 5 और 2 5/9 हो गई। उसके बाद कहता है 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा, तो बी हमने इवेंट ले ली जिसमें 5 रुपये का सिक्का हो। सिक्का गिरा तो पी ओ बी कितनी होगी, पांच रुपए का सिक्का कितना है बेटा 10, तो 10/180 तो 1/18। यस सर। तो निकालना क्या है हमने नहीं की, तो 1 - POB तो कितना हो जाएगा 17/18। ठीक है, इनके दो दो तरीके हैं, जैसे इसके ना होने के है ना बेटा, तो इनको जोड़ के भी टोटल से भाग कर सकते हैं, वो मर्जी है तुम्हारी। 11वां, गोपी अपने जीवल जीव कुंड को एक्वेरियम है उसमें मछली जो है रखता है, तो फीमेल जो है वो 8 है और मेल जो है मछली जो है, मेल कितनी है बेटा 5 और फीमेल कितनी है 8। आवाज साफ नहीं आ रही, फिर आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। अच्छा वेट कर लिया रहा थोड़ा सा। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर है, तो हमने ए ले लिया निकाली मछली नर
होने की घटना, होने की घटना। तो पी ऑफ ए कितना हो गया बेटा? नर ये फीम, ये तो है मादा, और ये क्या है बेटा? नर, नर। पांच। तो पांच बटे में पांच जमा पांच बटे में पांच प्लस आठ पांच बटा तेरह ठीक है पंद्रह बटे तेरह। अच्छा ये भी तरीका का समझ में आ गया ना थारा? यो ये मैं फटाफट इनके आंसर बताता हूँ जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है? यहाँ ये कहता है कोई गेम खेलता है, ये जो जुआरी खेलते हैं ना, एक पे सुई टिक जाती है, फिर दो पे, तीन पे, इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तक लिखा हुआ है। तो ये कहता है तीर कहाँ पे रुके, आठ पे रुकेगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? आठ, एक बटे में आठ बेटा, क्योंकि एक तो ये फेवरेबल हो गया इसका केस, और टोटल कितने हो गए ये आठ, तो इसका आंसर क्या आएगा? वन बाई एट। एक विषम संख्या होगी, तो विषम क्या क्या है जो दो से भाग नहीं होती? एक, तीन, पाँच और सात, तो टोटल कितनी हुई? चार हुई ना ये, एक बटे दो, तो चार बटा आठ यानी कि एक बटा दो आंसर हो जाएगा। दो से बड़ी संख्या को, दो से बड़ी तो दो शामिल नहीं करना, कई बच्चे दो नहीं कर लेंगे, तो तीन चार पाँच छः सात आठ कितनी होगी बेटा? तीन और तीन छः बटा आठ उत्तर हो जाएगा इसका। नौ से छोटी संख्या, तो सारी है तो नौ से छोटी हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? आठ बटे में आठ, समझ रहे हो? एक आ जाएगा। एक पासे को एक बार फेंका गया, एक डाई को फेंकते हैं तो हम केस क्या आएगा? एक दो तीन चार पांच और छः। एक है भाज्य संख्या, है भाज्य, मैंने बताया थे कल क्या क्या है, दो है, तीन है और पांच है, तो क्या हो जाएगा? तीन बटा छः, दो और छः के बीच दो ही हो रहा है, छः ही हो रहा है, इसके बीच में तीन चार और पाँच, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? तीन बटे में छः। एक विषम संख्या, विषम आता है एक आता है, तीन आता है और पाँच आता है, तो तीन बटा छः, ठीक है बेटा? बावन पत्तों को फेंटा गया, एक पत्ता लाल रंग का बादशाह, बादशाह कितने होते हैं टोटल? टोटल बाद से चार होते हैं, लाल रंग के दो होते हैं, काले रंग के भी दो होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा दो बटे में बावन। एक फेस कार्ड, तस्वीर वाला फेस कार्ड मैंने गिनवाए थे कल, कितने होते हैं? बारह, तो बारह बटे बावन। और यहाँ पे है बेटा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, अब तस्वीर वाले कितने थे? बारह, तो आधे लाल के होते हैं आधे काले रंग के, तो लाल रंग का छः बटा बावन। अच्छा पान का गुलाम, गुलाम चार होते हैं, एक पान का, एक ईंट का, एक हुक्म का, एक चिड़ी का, तो पान का गुलाम तो एक का पत्ता हुआ ना, एक बटा बावन। हुक्म का पत्ता, हुक्म के कितने होते हैं? तेरह बटे बावन। एक ईंट की बेगम, अब ईंट की बेगम कितनी होती है? एक बटा बावन, बावन। ताश के पांच पत्ते ईंट का दहला है, देखो पांच ही पत्ते हैं यहाँ पे पंद्रहवें में, एक तो ईंट का दहला है यानी कि टेन वाला, एक गुलाम है, एक बेगम, एक बादशाह और एक इक्का को पलट कर अच्छी तरह से, तो अब की बार सिर्फ क्या क्या है? एक तो दहला है उसको हमने टेन से लिख लिया, फिर एक गुलाम है, जैक है, ईंट के हैं, डायमंड के, ये भी ध्यान रखना किसके हैं बेटा, ये डायमंड ईंट जो होता है उसका निशान ऐसा होता है। एक गुलाम है, एक बेगम है,
बेगम को कॉइन लिख देते हैं, और एक किंग है और एक एक का भी है, तो एक ए हो गया। ये पत्ते हैं, दहला, जय, गुलाम, बेगम, बादशाह और एक की पत्ता। एक बेगम है, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बेगम है। बेगम कितनी है इसमें, एक। टोटल कितने हैं ये? एक बटा पांच, पांच। बाउन नहीं करना अब, क्योंकि यही नहीं में से पूछता है। यदि बेगम निकल जाती है और उसे अलग रख लिया जाता है तो एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। बेगम तो निकल गई तो कितने रह गए? चार रह गए ना। बेगम निकलने के बाद क्या रह गया? जे रह गया, के रह गया और ए रह गया और दस दहला। अब निकाले गए इसमें, ये कह रहा है फिर उसके बाद दूसरा पत्ता निकाला तो वो इक्का होगा। इक्का, अब इक्के की क्या होगी प्रायिकता इसमें बताओ? एक बटा, सर एक बटा चार, चार, क्योंकि अब चार बचे हुए हैं टोटल शेष। फिर कहता है एक बेगम, अब बेगम की क्या होगी कोइन की? जीरो, क्योंकि वो है ही नहीं, वो तो पहले जा चुकी बाहर। इनमें तो दहला है, जैक है, किंग है और एक। समझ आ गया होगा ना बेटा? यहाँ कहता है किसी कारण 12 खराब पेन, 132 अच्छे पेन में, तो पेन है बेटा गुड है 132 और बैड पेन है यहाँ पे 12, तो टोटल कितने हो गए? 144। अब एक निकाला गया तो अच्छा पेन की प्रायिकता बताओ, पी ऑफ जी गुड की, तो 132 डिवाइडेड बाई 144, ठीक है? यस सर। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इनमें। 20 बल्ब हैं एक समूह में, चार खराब हैं, तो अच्छे कितने रह गए? 16। सब खराब होने की प्रायिकता बताओ, तो चार बटे में कितना हो गया? 20। निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और नए ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया गया। ये कहता है जो काटा था ना वो खराब नहीं है, इसका मतलब गुड था वो। वे चार खराब हैं 20 में से, टोटल से 20। गुड कितने हैं? 16। बैड कितने हैं? 4। तो अब कहता है खराब नहीं था तो गुड था वो, बाहर निकाल दिया। और जो शेष बच गए उनमें से एक निकाला गया जिसकी खराब नहीं की प्रायिकता बताओ। तो अब देखो एक गुड बाहर निकल गया, कितना रह गया? 15 रह गए ना, ये चार न्यू के न्यू, तो अब की बार प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 15 बटे में 19, टोटल 19 रह गए बेटा। हाँ, 18वां, एक पेटी में 90 डिस्क हैं, 1 से 90 लिख रखे हैं उनके ऊपर, और एक निकाला जाता है तो दो अंकों की एक संख्या। अब 1 से 90 तक दो अंकों की संख्या कितनी है बेटा? 90 कर देना। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग है, 1 है, 4 है, 25 है, 16 है, 25 है, 36 है, 44 है, 36 के बाद क्या है? 49 है, कर लोगे ना? 64 और 81। हाँ, 5 से भी विभाजित होने वाले 5, 10, 15 गिन लेना 90 तक कितने। 19वां, ए बी सी डी ई ये हैं, इनमें से ये कहता है ए प्राप्त हो, ए प्राप्त हो, ए के फेवरेबल केस कितने हो गए? एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, दो हो गए, ये हो गया दो, दो बटे में 6। और डी प्राप्त हो, डी के फेवरेबल केस कितने हैं बेटा? एक एक बटे में 6। एक बटा अच्छा, 20वां नहीं करना तुमने, ये लिख रखे है भाई नीचे, ये है परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, बाद में करेंगे डिस्कस। 144 टोटल पेन, 20 खराब, तो अच्छे कितने रह गए? 124।
और वो कहता है अच्छा होगा तो खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा। तो वह पेन खरीदेगा, खरीदेगा मतलब कौन सा छांटा उसने 124 में से आया बटे, तो क्या प्रायिकता हो जाएगी इसकी 124 बटे में 144। वह पेन नहीं खरीदेगा, इसका मतलब कहाँ से कौन सा निकला, तो 20 बटे में 144। अब ये है जैसे बेटा जिन मैंने कल समझाया था, दो पासे अगर हम फेंकते हैं तो केस कितने बनेंगे, एक एक, एक दो, और लास्ट में क्या बनेगा, छः छः, समझ रहे हो ना बात को, छः छः। तो जिनका जोड़ दो आए तो उसमें दो में तो दो ही के एक का केस है, एक एक वाला, तो 1/36 हो गया। जिनका जोड़ तीन आए, तीन जोड़ वाले कौन कौन से हो गए बेटा, एक दो, एक और दो, और दो, और एक, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2/36। अब जिनका जोड़ चार हो बेटा, सर एक और तीन, तीन, दो और दो, पहले केस गणना करो, देखो एक वाली लाइन में एक तीन, दो वाली लाइन में दो दो, तीन वाली लाइन में तीन एक, तीन तीन और, तो केस कितने हुए, तीन बटा छत्तीस हो जाएगा। समझ रहे हो इसको, कर लोगे पूरा ये, यस सर। एक विद्यार्थी है तर्क देता है कि 11 परिणाम है, यहाँ 2, 3, 4 और लास्ट में 11 और 12वां, तो प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है, तो क्या है इस तर्क से संतुष्ट है, तो नहीं है बेटा, क्योंकि इन सब का जोड़ कितना होना चाहिए, एक आना चाहिए, 1/11 जो है ना, इसकी 1/36 है, इसकी जिसका जोड़ दो आया, समझ रहे हो, तो ये आंसर नो हो जाएगा, ये नहीं है। अब सब की 1/11 ले लें तो जो है 12वें की भी 1/11 होगी, तो ये गलत है। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार परिणाम लिखा जाता है, तो 3 बार वाले का मैंने बताया था क्या आता है, एच 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 टी, समझ गए ना, एच टी टी, यस टी टी टी, पहले एच को टी से हटाते जाओ और यहाँ तक पहुंचे, फिर एच से हटाते जाओ, फिर दो एच के बीच में एक टी और दो टी के बीच में एक एच, ये 8 केस होने चाहिए। यस सर। तो इसने कहता है हनीफ का खेल हार जाने की प्रायिकता और जीतता कब है, तो तीनों परिणाम समान होने पर, प्रत्येक बार का परिणाम लिखा जाता है, तीन चित या तीन पट होने पर वो जीत जाएगा, तो तीन चित तो ट्रिपल एच हो गए, या जब शब्द होते ना बेटा,